एक बार मैसेज कीजिए हमें, क्या किसी में कोई कर दीजिए कि ग्रुप में की सेम लिंक के ऊपर ज्वाइन करना है। ओके सर। चलिए ठीक है, बात आगे करते हैं। बोला गया कि एम ए और एम बी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एम बी का मार्क्स ज्यादा में बी है, एम बी नीचे की तरफ आएगा, एम ए ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा ये जो स्ट्रिंग है वो आइडियल स्ट्रिंग है। जब कभी भी आइडियल स्ट्रिंग या सिंपल स्ट्रिंग बोला जाए तो हमें ध्यान में रखना है इन एक्सटेंसिबल, ये क्या होगा, एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये लेंथ इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनएक्सटेंसिबल। तो अब बताइए, अब एक चीज आप लोग देख करके बताइए कि अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा, अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये क्या होगा, एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा। भैया जब लेंथ सेम है तो ये एक्स नीचे आया तो ये एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब एक्स सेम रहेगा तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। जब ये भी वेलोसिटी से नीचे आएगी, ये भी कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगी, भी वेलोसिटी से, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लेंथ में चेंज नहीं हो सकता है। और अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो ये भी क्या होगा, ये एक्सेलरेशन से ही नीचे आएगी, क्योंकि हमारा, तो इसमें हम क्या कह सकते हो, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एम बी और एम ए एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो जो वायर है स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, उसमें लेंथ लंबाई उसका क्या फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी ब्लॉक जो है वो क्या है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट है टू मूव विद सेम स्पीड एंड सेम एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी आर कंस्ट्रेंट to move with same acceleration, लेकिन वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड लिख देना है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। सो यही है कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट है बी जो है ए से कंस्ट्रेंट है, ए जो है बी से कनेक्टेड कंस्ट्रेंट है, दोनों एक दूसरे से क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ठीक, ये एक वेज है, ये कितना एंगल पर इंक्लाइंड है, कितना एंगल पर, ठीक है, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक
एक और ये क्या हो बी हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन हमारा ये आता है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ठीक है। ये इसके मोशन से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये इसके मोशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, और इसका एक्सीलरेशन इसके मोशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, इसके बारे में देखना है। तो अगर आप सपोजर यहां पर बैठेंगे, कुछ नहीं समझ में आए तो जाकर के बैठ जाइए। अब आप इसके पीठ के ऊपर बैठ गए तो आप क्या देखेंगे, और अगर ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में ये A1 एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो इससे आप कितने एक्सीलरेशन से जाते हैं, इसे तो आप नहीं देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इस पर बैठे हुए आप इसे नहीं देख सकते हैं। आप B को कितने एक्सीलरेशन से जाते हुए नीचे देखिएगा, A2 एक्सीलरेशन से, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी A के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी रिस्पेक्ट टू वेज, इसको हम वेज बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको हम जो बोलते हैं ब्लॉक बोलते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या होगा, A2, ठीक है। और ये जो है कंप्लीटली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर बोला जाए कोई आदमी ग्राउंड पर है, जब कोई आदमी ग्राउंड पर रहेगा तो क्या इसको इधर ही आते हुए देखेगा, नहीं, वो उसको इधर भी जाते हुए देखेगा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में भी आते जाते हुए देखेगा। तो हम फाइंड करते हैं, कोशिश करते हैं देखने का। सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेट A2 क्या है, A2 जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये दोनों AB जो है A से कंस्ट्रेंट है, A जो है B से कंस्ट्रेंट है, तो हम लिख सकते हैं ब्लॉक B इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन सरफेस ऑफ A। B कहां पर कंस्ट्रेंट है, A के सरफेस पर मूव करने के लिए, हम यहां पर लिख सकते हैं सरफेस ऑफ A। तो अब हम सिर्फ B के लिए देखेंगे, और B ग्राउंड से ग्राउंड में देखेगा B को, तो क्या देख रहे हैं, ये A2 है, इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कुछ होगा, और कुछ इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया A2 cos थीटा, और ये क्या हो गया A2 sin थीटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फॉर एक्स डायरेक्शन में बी का एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन में एक्चुअल एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या हुआ, A1 इधर गया, A2 cos थीटा उधर गया। तो हम क्या लिख देंगे, किसी को भी बड़ा मान लो A2 cos थीटा माइनस A1, किसी को भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और y डायरेक्शन का हम जब लेंगे तो ABY क्या हो जाएगा, ABY क्या हो जाएगा, A2 sin थीटा, ठीक है। तो नेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक B यहां पर आ जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं नेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक B, बी ब्लॉक का जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी वाई का स्क्वायर। अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, अभी हमने जो इतना एक्सप्लेन किया है, इस एक्सप्लेनेशन में हमने किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, हमने बस आपको डिस्क्राइब किया है, मेथड बताया कि किस तरीके से कंस्टेंट रहता है, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे रहते हैं। अभी जब इसके ऊपर जब कंटिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे, उसे फिर हम वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें चीजें और क्लियर होंगी। अभी थोड़ी बहुत आइडिया मिल रही होगी कि हमें क्या फाइंड करना है, कि कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यही फाइंड करना है कि एक का वेलोसिटी कुछ होगा तो दूसरे का वेलोसिटी क्या होगा।
जैसे ये देखो, ये अगर A1 से जा रहा है, ये किस स्पीड से जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। हमें पूछेगा बताओ कि B का एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, वो भी हम निकाले हैं। तो अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन यही आएगा, क्योंकि बस ये मेथड है, एक प्रोसेस है। फिर हम आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे, तो वहां तक और सारी चीजें पता चलते चलेगी। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। कांस्टेंट रिलेशन, ये क्या होता है इसको देखते हैं। इट इज द मैथमेटिकल रिलेशन। एक ये कांस्टेंट रिलेशन एक तरह का मैथमेटिकल रिलेशन होता है, जिसके हेल्प से हम वो दो, ये रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू बॉडीज, दो और दो से ज्यादा बॉडी के बीच का एक इक्वेशन होता है, जिस मैथमेटिकल रिलेशन होता है, जिसके हेल्प से उनके बीच वेलोसिटी के रिलेशंस का पता करते हैं, एक्सेलरेशन के रिलेशंस का पता करते हैं, या तो ये देखते हैं कि दोनों बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रही है। इसका लिखिए, एक बार कांस्टेंट रिलेशन लिख लीजिए इंग्लिश में। मैथमेटिकल रिलेशंस by which motion of two or more bodies are called constraint relations. देखिए इसको एक एग्जांपल से, फिर मैं छोटा सा एग्जांपल देके सेम बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। ये ग्राउंड है, यहां पर एक ब्लॉक बी है, ये आइडियल स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग बोला हुआ है, और ये इनएक्सटेंसिबल है। जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं करे कि ये एक्सटेंड हो सकता है, तब तक ये क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, बी हो गया ए और ये फोर्स एफ लग रहा है, तो अब इनके वेलोसिटी एक्सीलरेशन इन सब के बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, जब एक इनएक्सटेंसिबल है तो अगर ये बॉडी जो है एक्स डिस्टेंस कवर करती है तो ये कितना आगे की तरफ बढ़ेगी, अगर ये एक्स और ये वाई की डिस्टेंस कवर करती है तो ये एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो इनएक्सटेंसिबल है, तो इसके लेंथ में कोई चेंजिंग होना नहीं है। अगर हम इसे 2 मीटर लेकर के गए तो आप चाहो ना चाहो ये भी कह सकते हैं 2 मीटर ही आगे की तरफ बढ़ेगा, तो x इज इक्वल टू y हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, उनके डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, अब हम उसे एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ differentiate with respect to time, तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx by dt is equal to dy by dt, तो यहां पर dx by dt क्या हो गया, va is equal to vb, यहां पर क्या हो गया, va is equal to vb। फिर इसे जब differentiate करेंगे, तो क्या हो जाएगा, acceleration of a is equal to acceleration of b, and x is equal to y, displacement भी same होगा, velocity भी same होगा, acceleration भी same होगा, यही क्या कहलाएगा हमारा, constraint relation। यही हमारा क्या हो जाएगा, constraint relation। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, ना तो आपका बुक आपको बोलेगा, ठीक है, कभी नहीं बोलेगा, बार बार नहीं बोलेगा, ये हमेशा इनएक्सटेंसिबल रहता है, जब तक भी स्पेसिफाई ना किया रहे,
जब तक वो बोला ना रहे कि ये एक्सटेंड होगा तब तक ये इनएक्सटेंसिबल रहता है। चलिए यहाँ तक कल रिविजन करके आइएगा और देखिए इस समय आपके पास 2-3 दिन आपके पास काफी बेहतर टाइम है। तो फिर चलिए आज का क्लास यहाँ खत्म करते हैं, फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।